क्या आप भी बचत न हो पाने की वजह से परेशान रहते हैं? चाहे जितना भी पैसा आ जाए पर बचता कुछ भी नहीं है? तो आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर घर में वो कौन से वास्तु दोष हैं जिनकी वजह से आप बचत नहीं कर पाते। चाहे इनकम कितनी भी अच्छी हो फिर भी बचत आपके मन लायक नहीं होती है। तो आइए समझते हैं। आपकी सेविंग्स को इंश्योर करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा। इस दिशा में यदि कोई वास्तु दोष होगा तो आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। यहाँ आने वाले जो मुख्य वास्तु दोष हैं वो हैं टॉयलेट, किचन या फिर एंटी कलर्स, जैसे कि रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और प्लांट्स भी यहाँ पर वास्तु दोष का कारण बनते हैं। आइए समझते हैं कि इनका सरल सा क्या समाधान हो सकता है। तो यदि आपके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में टॉयलेट है तो आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी सेविंग्स टॉयलेट की तरह ही फ्लश आउट हो जा रही है। तो इसके लिए आपको अपनी टॉयलेट सीट को 4 इंच की व्हाइट कलर की टेप से ब्लॉक करना है। यदि आपको लगता है कि आपके घर की सारी सेविंग्स में आग लग गई है तो इसका मतलब कि आपके घर की वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में गैस का बर्नर है, इसीलिए कुछ भी नहीं बचता, सब में आग लग जाती है। इसका आपको बहुत ही सरल समाधान करना है, अपने गैस के बर्नर के नीचे एक येलो जैसलमेर स्टोन ला करके रख देना है। सेविंग्स ना हो पाने का एक बहुत बड़ा कारण है पंच तत्वों में डिस्टर्बेंस होना, यानी कि एंटी कलर्स का होना। इसके लिए वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में आपको इंश्योर करना है कि रेड कलर, ग्रीन कलर या फिर ब्राउन कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनकी जगह आप ऑफ वाइट या फिर वाइट कलर का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी भी बहुत अच्छी सेविंग्स होनी शुरू हो जाएगी। और अंत में पैसों की बचत करके अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए आपको देती हूँ एक बहुत ही सरल महा उपाय। आपको सेविंग्स की दिशा यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में अपनी तिजोरी या फिर पर्स को रखना है। इससे आप देखेंगे कि इसमें पैसों की बचत बढ़ गई है। और यदि आपके घर में इस दिशा में तिजोरी या पर्स रखने की जगह नहीं है तो आप यहाँ पर एक छोटी सी गुल्लक रख दें, वो भी आपकी सेविंग्स में वृद्धि करेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।